किसी दल की तरफ से, बल्कि दो बेटियों के, नाबालिग मासूम 17 साल की दो बेटियों के बाप की हैसियत से यहां बैठा। अब जब वो स्कूल पढ़ने जाती है तो डर लगता है, हमारी पत्नी रोती है। आज हम खाली प्रभारी थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, जब हिंदू समाज की एक लड़की के ऊपर बहुत क्रूरता के साथ छेड़छाड़। और मैं ये नहीं कहता कि छेड़छाड़ करने वाला हिंदू या मुसलमान होता है, माओ और बहनों को छेड़ने वाला बदमाश होता है, लेकिन दुर्भाग्य से प्रभारी मंत्री थे आजम खान, छेड़ने वाला नौजवान था मुसलमान, छेड़ी गई लड़की थी हिंदू। और जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान की आजादी के बाद जब कटी हुई लाशें पाकिस्तान से आ रही थी, दंगा नहीं हुआ, क्योंकि वहां काम करने वाले मजदूर मुसलमान हैं और जमीन के मालिक हिंदू, उन लोगों का रोटी का संबंध, पेट का संबंध है। विभाजन के समय भी दंगे नहीं हुए, वहां दंगे हुए। सवाल यहां आगे का, पिछड़े का और अति पिछड़े का नहीं, सवाल इस बात का है कि गुलाम सिंह जैसे राजनीतिक संस्कार, जब आजम खान ऐसी सियासी मूर्ति को गढ़ देंगे तो मुजफ्फरनगर में जब दंगा होगा तो सैफई में मल्का शेरावत नृत्य करते हुए थिरकते हुए कहेगी, ओफ ओफ ओ भीगे होठ मेरे मतकन की जारो यादव परिवार, और सारी रात मिलकर मुझसे कर प्यार बार बार लगा था। ओफ ओ सलमान खान भी आए, कम से कम इतनी सराफत दिखाई कि सारा पारिश्रमिक उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगा पीड़ितों को दे दिया। पूछना चाहता हूं मैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर गुजरात के दंगे का कलंक लगाने वाले ये समाजवादी नहीं नमाजवादी पार्टी के लोगों से कि गुजरात का दंगा दंगा था तो प्रभारी मंत्री मोहम्मद आजम खान तुम्हारे नेतृत्व में हमारी हिंदू बेटी को जब छेड़ने के बाद जो दंगे हुए और उस दंगे में जो तुम्हारी बिरादरी और नस्ल के लोग मरे जो गुजरात के दंगे से भी ज्यादा थे, क्या अच्छा होता कि एक हिंदू लड़की को छेड़ने वाले मुसलमान नौजवान को पकड़ के बंद करते या फिर हिंदू और मुसलमान भाइयों का खून बहा। आजम खान हिंदू का खून है ना मुसलमान का खून है, दुश्मनाने हिंद ये हिंसा का।